नमस्कार दोस्तों, कैंडलस्टिक के इस सीरीज के अंदर मैं आ चुका हूँ एक थर्ड एपिसोड के अंदर, जहां पर मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ हैंगिंग मैन और इन्वर्टेड हैमर। मतलब इन्वर्टेड हैमर किस तरह से काम करता है, हैंगिंग मैन किस तरह से काम करता है, वो सारी चीज़ें हम लोग आज के इस एपिसोड के अंदर देखने वाले। और इस वीडियो को आपको लास्ट तक जरूर देखना ताकि दोनों भी पैटर्न्स आपको अच्छे से समझ में आए। और इस वीडियो के अंदर ही हम लोग क्या करेंगे, थोड़ी बहुत बैक टेस्टिंग भी कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए चलते हमारे स्क्रीन के ऊपर। तो दोस्तों हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न अभी हम लोग देखने वाले। हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न देखने से पहले दोस्तों मैं आपको एक बात बोल देता हूँ, हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न आपको ऊपर की साइड में देखने को मिल जाता है। मतलब कि अभी यहाँ पर देखने को मिल रहा है, तो हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न यहाँ पर ऊपर की साइड में देखने को मिल जाता है। और उससे पहले क्या करना है दोस्तों, एक अप ट्रेंड आएगा, अप ट्रेंड आएगा और उसके बाद में पैटर्न मिलेगा और वो उसको डाउन ट्रेंड के अंदर कन्वर्ट कर देगा। इस तरह का एक पैटर्न है दोस्तों, मतलब कि ये अप ट्रेंड को डाउन ट्रेंड के अंदर कन्वर्ट करने वाला एक रिवर्सल पैटर्न है। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, पहले अप ट्रेंड को देख लेते हैं। तो यहाँ पर अप ट्रेंड हमें मिल चुका है, अप ट्रेंड है। अप ट्रेंड के बाद में यहाँ पर हम लोगों को पैटर्न देखने को मिल रहा है। तो क्या करते हैं दोस्तों, हम लोग उस पार्ट को यहाँ पर जूम कर लेंगे। जूम करने के बाद मैं आपको यहाँ पर अच्छे से दिखा देता हूँ। यहाँ पर दोस्तों जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, ये वाली कैंडल उसी कैंडल ने, एक अप ट्रेंड यहाँ से ऊपर की साइड में आ रहा था, उसके बाद में इस कैंडल ने यहाँ पर एक हाइस्ट पॉइंट तैयार किया, जो कि यहाँ पर जो ट्रेंड है, ट्रेंड का सबसे हाइस्ट पॉइंट यही है। तो यहाँ पर जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे, ये वाला हाईएस्ट पॉइंट है। हाईएस्ट पॉइंट के बाद में दोस्तों आपको इस कैंडल को कैसे देखना है वो भी मैं आपको अभी बता देता हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना है, इस कैंडल के अंदर देखना है, ऊपर के साइड में जो हमारी शाडो रहेगी वो कम रहेगी, नीचे के साइड में शाडो ज़्यादा रहेगी। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे, इस कैंडल के अंदर ऊपर की साइड की शाडो कम है और नीचे की साइड की शाडो ज़्यादा है। उसके बाद में दोस्तों आप लोगों को क्या देखना है, ये जो कैंडल है उसके अंदर जो बॉडी है, बॉडी रहेगी हमारी 20-30% के आसपास और शाडो रहेगी हमारी 70-80% के आसपास। थोड़ी बहुत कम ज़्यादा हो जाएगी, चल जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर आप जैसे कि देख पा रहे हो, बॉडी काफ़ी कम है और शाडो ज़्यादा है, मतलब कि यहाँ पर कंसिडर करके चल सकते हो। दोस्तों ये वाली जो कैंडल है उसका कलर कौन सा भी होगा चल जाएगा, रेड हो ग्रीन हो कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद में दोस्तों आप लोगों को क्या देखना है, एक ट्रेंड के बाद में ये वाली कैंडल आएगी, इसका जो हाईएस्ट पॉइंट है, हाईएस्ट पॉइंट दोस्तों यहाँ पर अनब्रेकेबल होना चाहिए, मतलब कि पहले भी किसी ने ब्रेक नहीं किया होगा और आगे की जो कैंडल है जब तक हम लोग एंट्री नहीं लेते तब तक ये पॉइंट अनब्रेकेबल होना चाहिए। उसके बाद में अगर आएगा तो वहाँ पर हम लोगों का स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, लेकिन उससे पहले मतलब जब हम एंट्री लेंगे तो एंट्री लेने से पहले यहाँ पर कोई भी इसको टच नहीं करना चाहिए, मतलब इसको क्रॉस नहीं करना चाहिए। इस तरह का एक अनब्रेकेबल पॉइंट रहेगा। तो जैसे कि हम लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे, नीचे के साइड में आप लोग देख सकते हो सबसे हाईएस्ट यही है, इसको किसी ने अभी तक ब्रेक नहीं किया है। और आगे भी देख लेंगे तो आगे वाली जो हमारी एंट्री लेने से पहले यहाँ पर किसी ने एग्जिट मतलब इसको टच नहीं किया है। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, ये वाला पैटर्न मिल जाएगा, मतलब जैसे ये वाली कैंडल देखने को मिल जाएगी, इसका कलर कौन सा भी रहेगा चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अगली कैंडल जो रहेगी दोस्तों वो रहेगी हमारी रेड कैंडल। बिल्कुल दोस्तों इसका कलर कोई भी होगा चल जाएगा, लेकिन अगली जो कन्फर्मेशन कैंडल है वो हमारी रेड होनी चाहिए। रीज़न क्या है बता देता हूँ, यहाँ पर ये अप ट्रेंड, एक सेकंड, यहाँ पर क्या है दोस्तों, एक अप ट्रेंड हमें देखने को मिल रहा है। अप ट्रेंड के बाद में ये रिवर्स कर देगा उस ट्रेंड को, ट्रेंड को रिवर्स करेगा, यानी कि दोस्तों वो अभी डाउन ट्रेंड के अंदर जाएगा, डाउन ट्रेंड के अंदर जाएगा, यानी दोस्तों अगली जो कैंडल है कन्फर्मेशन कैंडल वो हमारी रेड के अंदर ही होनी चाहिए। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे, वो हमारी रेड के अंदर ही यहाँ पर आ चुके हैं। रेड के अंदर आने के बाद में दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर सिंपली वही यूज़ करना है दोस्तों, कैंडलस्टिक के अंदर हमने जो पहले देखा वही सेम चीज़ें आपको यहाँ पर यूज़ करनी है। यहाँ पर क्या करना है दोस्तों, आपकी जो अगली कैंडल आएगी कन्फर्मेशन, उसका जो लोवेस्ट पॉइंट है वो जैसे ब्रेक हो जाएगा वहाँ से दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, एंट्री ले लेंगे। तो यहाँ पर मैं शॉर्ट पोजिशन ले लेता हूँ, मतलब कि आपको पुट साइड की तरफ या सेलिंग जब करनी है, शॉर्ट सेलिंग जब आप करोगे तो वहाँ पर दोस्तों आप इस पैटर्न को यूज़ करके काफ़ी अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर पाओगे। सिंपली दोस्तों अगले कैंडल ने जैसे इसको ब्रेक कर दिया इस कंफर्मेशन के लोवेस्ट पॉइंट पे, ये वाले पॉइंट जो है ना कंफर्मेशन का, मतलब सेकंड कैंडल, उसका लोवेस्ट पॉइंट जैसे ब्रेक होगा, अगले कैंडल ने ब्रेक कर दिया, वहाँ पर हम लोगों की एंट्री हो गई। और स्टॉप लॉस दोस्तों हम लोगों को रखना है, तो दोस्तों स्टॉप लॉस रखना है हम लोगों को यहाँ पर इस कैंडल के ऊपर के साइड में, मतलब यहाँ पर आप जैसे कि देख पा रहे होंगे यहाँ पर आपको क्या रखना है, स्टॉप लॉस रखना है। उसके बाद में दोस्तों 1:1 का टारगेट लेकर के हम लोग यहाँ पर चल सकते हैं। तो 1:1 का टारगेट अगर देखेंगे तो 1:1 का टारगेट हम लोगों का यहाँ पर ही आ जाता है कुछ यहाँ पर, ओके। तो इस पार्ट को पहले मैं जूम कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आप जैसे कि देख पा रहे होंगे, यहाँ पर हमारी एक कैंडल थी जो हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न के अंदर की जो मेन कैंडल है, वो कैंडल यहाँ पर देखने को मिली थी। उसके अंदर सबसे पहले देख लेना ट्रेंड है, उसके बाद में 20-30% उसकी बॉडी, बाकी 70-80% उसकी शाडो, उसके बाद में ऊपर की साइड में शाडो कम, नीचे की साइड में शाडो ज़्यादा। उसके बाद में अगली जो कैंडल रहेगी कन्फर्मेशन के लिए रेडी होनी चाहिए, या हाईएस्ट पॉइंट अनब्रेकेबल होना चाहिए जब तक हम लोग एंट्री नहीं लेते। उसके बाद में हम लोगों को स्टॉप लॉस रखना है यहाँ तक का, और ये कंफर्मेशन की जो कैंडल है उसकी जो लोएस्ट पॉइंट को अगली कैंडल 1-2-3 कैंडल जैसे ब्रेक करेगी, अगली कैंडल ने ब्रेक कर दिया,
यहाँ पर दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, एंट्री ले लेंगे। एंट्री लेने के बाद में स्टॉप लॉस रहेगा ये वाला और टारगेट 1:1 का फिलहाल लेके चलेंगे। आगे जा करके उसको वेरी भी कर सकते हो, ट्रेल करते करते काफ़ी बड़ा यहाँ तक का भी आप लोग प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो। जब आप ट्रेल वगैरह करना सीखोगे और टारगेट को मतलब वेरी करना सीखोगे तो वो तब आप लोग ये सब चीज़ें कर सकते हो। तो फिलहाल यहाँ पर जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे, अगले कैंडल ने यहाँ पर हमारा जो टारगेट है उसको अचीव कर लिया। तो दोस्तों ये पैटर्न ना थोड़ा कम देखने को मिल जाता है। जो दूसरा पैटर्न है दोस्तों इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न, वो भी आपको समझा जाता है, वो भी काफ़ी कम आइडेंटिफाई होता है। दोस्तों अभी हम लोग देखने वाले इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न। बेसिकली दोस्तों ये वाला जो पैटर्न है इसको ढूंढने में आपको काफ़ी टाइम लग जाएगा, मतलब यूजुअली ये पैटर्न दिखता नहीं ज़्यादा करके, लेकिन अच्छे से आप समझ लो अगर बाय चांस आ गए तो वहाँ पर आप ट्रेड करके काफ़ी अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर पाओगे। सबसे पहले वही चीज़ें करनी है, डाउन ट्रेंड देखना है। डाउन ट्रेंड यहाँ से आप लोग देख लो, यहाँ से डाउन ट्रेंड देखोगे यहाँ तक डाउन ट्रेंड है, ठीक है, ये वाला डाउन ट्रेंड है। ये पैटर्न यूजुअली दोस्तों नीचे की साइड में, मतलब एक डाउन ट्रेंड के बाद में ये पैटर्न मिलेगा और उसके बाद में मार्केट रिवर्स हो जाएगा, मतलब डाउन ट्रेंड अप ट्रेंड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो जैसे कि दोस्तों हम लोगों को एक डाउन ट्रेंड यहाँ पर देखने को मिल रहा है, उसके बाद में ये वाली जो कैंडल है सबसे लोवेस्ट पॉइंट जो बनाएगी वो वाली कैंडल देखना है। तो यहाँ पर आप जैसे कि देख पा रहे होंगे ये वाली जो कैंडल है इसने सबसे लोवेस्ट पॉइंट बना दिया। और दोस्तों मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ, जो भी मैं कैंडलस्टिक पैटर्न बोल रहा हूँ उनको आप 15 मिनट से आगे अगर आप देखोगे तो वहाँ पर आपको उसकी एक्यूरेसी काफ़ी ज़्यादा मिलती है। 5 मिनट पे भी आप ट्राई कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। वैसे 1 मिनट पे भी आपको एक्यूरेसी मिलेगी, लेकिन जो 15 मिनट की एक्यूरेसी वो काफ़ी हद तक ज़्यादा है, जो लोअर टाइम फ्रेम है वहाँ पर आपको एक्यूरेसी कम मिलती है। फिलहाल ये जो पैटर्न है दिख नहीं रहा था 15 मिनट के ऊपर, मैंने काफ़ी देखा लेकिन वहाँ पर प्रॉपरली ये पैटर्न ज़्यादा करके देखने को नहीं मिलता है। तो इसके लिए उसकी वजह से यहाँ पर मैंने 1 मिनट टाइम फ्रेम यहाँ पर यूज़ करी है, लेकिन आपको 15 मिनट के ऊपर काम करो स्टार्टिंग में। उसके बाद में अगर आपको एक्यूरेसी लगती होगी अच्छे से, आप उसके अंदर प्रॉपरली उसका प्रैक्टिस कर लोगे, उसके बाद में आप कम टाइम फ्रेम के अंदर उसको यूज़ कर सकते हो। फिलहाल दोस्तों यहाँ पर ये वाली कैंडल देखनी जो हमारे डाउन ट्रेंड के अंदर सबसे लोवेस्ट पॉइंट मतलब नीचे की साइड का सबसे लोवेस्ट पॉइंट जो कैंडल बनाएगी उस कैंडल को देखना है। ये वाली कैंडल है, इसने सबसे लोवेस्ट पॉइंट यहाँ पर क्रिएट कर लिया है, मतलब कि दोस्तों ये वाली कैंडल हमारी जो पॉइंट है इसका जो लोवेस्ट पॉइंट है ये अनब्रेकेबल रहना चाहिए, डाउन ट्रेंड में सबसे लोवेस्ट यही होना चाहिए। और अगली जो कैंडल भी रहेगी हमारी एंट्री तक की तो उसके अंदर भी हम लोगों का ये लोवेस्ट पॉइंट ब्रेक नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर आगे भी देख सकते हो सारे कैंडल्स ऊपर की साइड में, मतलब इस पॉइंट को किसी ने ब्रेक तक नहीं किया, ठीक है। तो इस कैंडल को हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, इस कैंडल में क्या होता है दोस्तों, जो शाडो होती है नीचे की साइड में शाडो काफ़ी कम होती है, ऊपर की साइड में शाडो ज़्यादा होती है। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो, मैं माउस को साइड में कर लेता हूँ एक सेकेंड। तो यहाँ पर आप लोग जैसे कि देख पा रहे होंगे यहाँ पर नीचे की साइड में जो शाडो है वो शाडो काफ़ी कम है और ऊपर की साइड में शाडो ज़्यादा है। उसके बाद में दोस्तों इसकी जो बॉडी होती है 20-30% के आसपास इसकी बॉडी होती है और शाडो 70% से 80% के आसपास उसकी शाडो देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पर आपको प्रॉपरली स्केल लेके मापना नहीं है, यहाँ पर आप लोग यूजुअली अगर नॉर्मल से भी देखोगे तो बॉडी कम दिख रही है, शाडो ज़्यादा दिख रही है, कन्फर्म कर लेना, ठीक है। इतना कुछ डिटेल में देखने की जरूरत नहीं, थोड़ा ऊपर नीचे चलता है। तो यहाँ पर बॉडी कम है, शाडो ज़्यादा है, शाडो ऊपर की साइड में काफ़ी ज़्यादा है और नीचे की साइड की शाडो कम है, इतना आइडेंटिफाई कर लिया। इसका कलर दोस्तों कौन सा भी रहेगा चल जाएगा, रेड हो ग्रीन हो कोई दिक्कत नहीं। अगला जो कैंडल आएगा दोस्तों वो हमें ग्रीन के अंदर ही चाहिए, कन्फर्मेशन कैंडल। कन्फर्मेशन मतलब कि दोस्तों एक डाउन ट्रेंड आ रहा है, उसके बाद में इन्वर्टेड हैमर मिल चुका है, लेकिन क्या सच में ये रिवर्स होने वाला है, इसको आइडेंटिफाई करने के लिए अगला जो कैंडल होता है वो ग्रीन में आना चाहिए। तो जैसे कि आप लोग स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे अगली जो कैंडल है वो हमारी ग्रीन के अंदर आ चुकी है। ग्रीन के अंदर जैसे आएगी दोस्तों उसका हाईएस्ट पॉइंट, मतलब कन्फर्मेशन का हाईएस्ट पॉइंट, मैं हैमर इसका नहीं बोल रहा हूँ, मतलब इन्वर्टेड हैमर का नहीं बोल रहा हूँ, ये जो कन्फर्मेशन है उसका हाईएस्ट पॉइंट जैसे ब्रेक होगा दोस्तों वहाँ पर दोस्तों हम लोग अगले जहाँ पर भी ब्रेक करेगा एक दो तीन कैंडल के अंदर, तीनों कैंडल के अंदर, मतलब तीन कैंडल देखना है आप लोगों का अगले, अगर ज़्यादा टाइम तक रुकेगा तो वहाँ पर एंट्री लेने में कोई ज़्यादा चांसेस नहीं हुआ पर टारगेट आने के। तो आपको अगले नियर अबाउट तीन कैंडल देख लो, अगर हो जाए तो चौथी भी देख लेना, लेकिन ज़्यादा टाइम तक रुकेगा और उसके बाद में ब्रेक करेगा तो वहाँ पर एक्यूरेसी के चांसेस कम है, ठीक, मतलब टारगेट आने के चांसेस कम है। तो यहाँ पर हम लोग जैसे कि देख पा रहे होंगे इसका हाईएस्ट पॉइंट है ये वाला, जिसको अभी इस कैंडल ने भी ब्रेक नहीं किया, इसका थोड़ा नीचे था, इसका तो बिल्कुल नीचे, और उसके बाद में जो थर्ड कैंडल आया उसने यहाँ पर इसको ब्रेक कर लिया। जैसे ब्रेक करेगा दोस्तों वहाँ पर हम लोग जाएंगे लॉन्ग पोजीशन के लिए, मतलब कि कॉल साइड की तरफ हम लोग जा सकते हैं, मतलब ऊपर की साइड में जाएगा, यहाँ पर डाउन ट्रेंड, उसके बाद में पैटर्न, पैटर्न के बाद में रिवर्स हो गया, कन्फर्मेशन का जो हाईएस्ट पॉइंट है उसको जैसे ब्रेक किया अगले तीनों कैंडल में से किसी ने, जहाँ पर ब्रेक करेगा वहाँ पर हम लोग एंट्री ले लेंगे। स्टॉप लॉस रहेगा ये जो अनब्रेकेबल पॉइंट है इसका, मतलब कौन सा, ये वाला पॉइंट, ये वाला जो पॉइंट है इसको हम लोग रखेंगे स्टॉप लॉस और 1:1 का टारगेट भी लेके चलेंगे। तो यहाँ पर हम लोगों का 1:1 का टारगेट यहाँ तक ही था। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो
यहाँ पर हम लोगों का 1:1 का टारगेट यहाँ पर हिट हो चुका है और उसके बाद में भी थोड़ा ऊपर गया। अगर आपको ट्रेल करना था तो ये भी आप कैप्चर कर सकते हो, लेकिन 1:1 का भी यहाँ पर आ चुका है तो वहाँ पर आप प्रॉफिट बुकिंग करके निकल सकते हो। दोस्तों ये पैटर्न काफ़ी कम आइडेंटिफाई होता है जो इन्वर्टेड हैमर है, और जो मैंने बोला हैंगिंग मैन और इन्वर्टेड हैमर दोनों भी पैटर्न काफ़ी कम देखने को मिलते हैं, लेकिन जब भी मिलते हैं एक्यूरेसी अच्छी रहती है, कोई दिक्कत नहीं आपको, वहाँ पर भी आप काम कर सकते हो। सबसे पहले आपको पेपर ट्रेड के अंदर काम करना है, उसके बाद में आप देखो। लेकिन दोस्तों अभी आपको बता देता हूँ कि जो कैंडलस्टिक में अभी बोल रहा हूँ, काफ़ी सारे वीडियोज़ में मैंने बोला है, और जिसके अंदर मतलब कैंडलस्टिक जो है उसके ऊपर आप जैसे प्रैक्टिस वगैरह करते हो तो कैंडलस्टिक की एक्यूरेसी आपको 70-80% ही देखने को मिल जाती है कहीं कभार। मतलब मान लीजिएगा अगर 10 ट्रेड आपने किए तो वहाँ पर हो सकता है 2-3 ट्रेड आपके यहाँ पर स्टॉप लॉस भी हिट कर दे। तो ये सब चलता है क्योंकि बिजनेस है, एक टाइप का बिजनेस ही है, तो इसके अंदर हम लोगों को देखना पड़ता है कितनी एक्यूरेसी। तो यहाँ पर कैंडलस्टिक की एक्यूरेसी 70-80% के आसपास, अगर आप अच्छे से काम करोगे प्रैक्टिस करोगे तो 70-80% के आसपास आप लोग लेके चल सकते हो कि ये टारगेट हम लोगों को दे देगा। बीच में कहीं कहीं स्टॉप लॉस भी हिट हो सकते हैं, आपको पहले प्रैक्टिस करना है, उसके बाद में आप प्रैक्टिकली वहाँ पर अप्लाई करो। तो दोस्तों आई होप आपको हैंगिंग मैन और इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न मतलब दोनों भी पैटर्न अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो आपने देखा होगा स्टॉप लॉस किस तरह से लगाते, सारी चीज़ें वैसे मतलब जिस तरह से मैंने आपको बताया उसी तरह से आपको प्रैक्टिस करना है। पहले प्रैक्टिस करो, नोट्स निकालो उसके अच्छे से, एक नोटबुक बना के, और उसके बाद में आप रियल मार्केट में उतरना है, लेकिन पहले प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस के लिए आप जैसे कि मैंने पहले वीडियो के अंदर भी बोला है, पेपर ट्रेडिंग के लिए जो एप्लीकेशन मिलते हैं न्यूओटा जैसे एप्लीकेशन से, उसको आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करके वहाँ से पर आप प्रैक्टिस कर सकते हो। पहले प्रॉपरली प्रैक्टिस करो, क्या हम प्रॉफिट में जा रहे हैं नहीं जा रहे, वो सब चीज़ें अच्छे से देखो और डिसिप्लिन रहो। स्टॉप लॉस है, टारगेट है, उनका रिस्पेक्ट करना सीखो, उसी के बाद में जाकर के आपको पैसा बनेगा। अगर स्टॉप लॉस आने से पहले एग्जिट कर रहे हो या टारगेट आने के बाद में भी वेट कर रहे हो, पेपर ट्रेड में क्या है आपका इमोशन नहीं आता है, लेकिन जब आप रियल मार्केट में खेलोगे उतरोगे तो वहाँ पर आपका इमोशन भी है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा मैटर करता है क्योंकि आप रियल मनी से खेलते हो। और यहाँ पर पेपर ट्रेड में क्या होता है, वर्चुअल मनी होता है, मतलब नकली पैसा होता है। तो वहाँ पर हम लोग क्या करते, अगर टारगेट आ भी रहा है तो रुकते हैं, काफ़ी देर तक वेट करते हैं, बड़ा टारगेट लेकर के जाते हैं, स्टॉप लॉस के अंदर जाते हैं, स्टॉप लॉस अगर हिट भी होता है तो एग्जिट नहीं करते, वेट करते। लेकिन ऐसा नहीं करना है, अगर आपको टारगेट और स्टॉप लॉस में दे रहा हूँ उसके हिसाब से मतलब जाना है आपको, और टारगेट और स्टॉप लॉस जैसे आते वहाँ पर आपको एग्जिट करना है। बीच में कहीं पे एग्जिट मत करो और अच्छे से प्रैक्टिस करो, ट्रेंड वगैरह अच्छे से देखो, सारी चीज़ें अच्छे से देखो। और ऐसे बहुत सारे पैटर्न अभी आने वाले एपिसोड आपको काफ़ी सारे देखने को मिल जाएंगे, सारे कैंडलस्टिक पैटर्न हम लोग कवर करने वाले, तो प्लेलिस्ट को एंड तक जरूर देखना है। और अगर आपको इसको प्रैक्टिकली देखना है, अभी यहाँ पर हमने थ्योरेटिकली देखा, लेकिन लाइव मार्केट के अंदर किस तरह से ट्रेड करना होता है प्रैक्टिकली अगर आपको देखना है तो मेरे ब्लॉग्स भी आते हैं, तो उसके ऊपर आप लोग देख सकते हो। पहले ब्लॉग्स के अंदर भी मैंने बोला है कुछ थोड़े बहुत चीज़ें जो कुछ भी होता है, तो रियल जो होता है जेन्युइनली मेरा जो एक्सपीरियंस है, मैं कैसे ट्रेड करता हूँ वहाँ पर, वो सब चीज़ें मैं ब्लॉग्स के अंदर भी डालता हूँ, तो वो ब्लॉग्स भी आप वहाँ पर देख सकते हो। बाकी दोस्तों प्लेलिस्ट आप एंड तक जरूर देखना, काफ़ी सारे पैटर्न सभी सीखने बाकी है और बाकी भी चीज़ें आती रहती है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखना। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।